gata ini syasin sabdu gaya 20 pariyani samatsara lalu iya wakarozu kuda chinna uddikta parisitu kuda erpadan 20 Amberpet.Mim iroju iya పరిస్థితి ఏర్పడము చాలా దురదృష్టకరం అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. అస్సలాం అలైకుం, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్ టు వాట్సాప్ టీవీ ఛానల్. మై హూ షాహిద్ ఖురేషీ ఔర్ ఆప్ దేఖ్ రహే హై ఆజ్ కా అన్కట్. ఔర్ ఆజ్ కే అన్కట్ కే శురువాత్ సే పహలే ఆప్నే దేఖా Amberpet కే సాబిఖా బీజేపీ ఎంఎల్ఏ జో ఇస్ వక్త్ సికంద్రాబాద్ హల్కే పార్లమెంట్ సే బీజేపీ కే ఉమ్మీద్వార్ కాంటెస్ట్ కర్ చుకే హై. 23 మే కో రిజల్ట్ కా ఇంతజార్ హై ఉన్హే. जी किशन रेड्डी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और एमआईएम पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि Amberpet की एक खाना मस्जिद का इशू एमआईएम ने क्रिएट किया है. सुना है आपने? जी हां नाज़रीन, जी किशन रेड्डी और दूसरे बीजेपी के अहदेदारों ने कल अपनी पार्टी ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो 15 साल से Amberpet के एमएलए 15 साल रह चुके हैं और इन 15 सालों में कभी भी Amberpet हलके में कोई भी फिरकेवाराना वाकया पेश नहीं आया. और आज अचानक ये वाकया क्यों पेश आया, जबकि एक खाना मस्जिद नाम की कोई मस्जिद वहां पर इस इलाके में थी ही नहीं, ऐसा किशन रेड्डी का कहना है. आइए देखते हैं. మస్జిద్ను ఉందని చెప్పి ఎంఐఎం పార్టీ ఓల్డ్ సిటీ నుంచి ఎంఐఎం సంబంధించినటువంటి గుంపులను తీసుకొచ్చి లోకల్గా ఉన్నటువంటి వారి ముస్లింలతో సంబంధం లేకుండా ఈరోజు ఈ సమస్యకు कारण नहीं थी. देखा नाजरीन, अब वक्फ रिकॉर्ड के हिसाब से वो वक्फ जायदाद है, मस्जिद एक खाना है, आशुर खाना है, जो भी वक्फ रिपोर्ट. वक्फ बोर्ड सीईओ ने जीएचएमसी को लेटर लिखा कि कंपनसेशन होने दे, जबकि जीएचएमसी ओनर क्लेम करने वाले कोचर्स को कंपनसेशन दे चुकी है. काफी दिनों से बड़ा इशू चल रहा है और किशन रेड्डी कहते हैं कि ये कोई मस्जिद ही नहीं थी, एमआईएम ने क्रिएट किया है. अब आप बताइए नाजरीन, जबकि चंद मुसलमान कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का आज तक इस एक खाना मस्जिद से मुतालिक कोई भी स्टेटमेंट इस पर नहीं आया, ये चंद मुसलमानों का इल्जाम है. और उधर किशन रेड्डी कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी ने ये इश्यू क्रिएट किया. अब ये पॉलिटिक्स है, इस पर हम क्या कह सकते हैं. बहरहाल किशन रेड्डी के इस ताजा बयान से आवाम में एक नई हलचल पैदा हो चुकी है. अब देखना है कि मस्जिद खाना का इशू कब तक चलेगा, सीएम साहब इसमें इन्वॉल्व होंगे या नहीं, या सिर्फ मुसलमानों को रमजान के गिफ्ट पैकेट से तकसीम करेंगे और फिर इफ्तार पार्टी में बुलाएंगे और मुसलमान जाएगा या नहीं, यह भी देखना बाकी है. यह था आज का हमारा अंकट. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. जय हिंद.